अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व सय्यदिना मुहम्मदन मुस्तफा व अला आलिहि तुका व सहबिहि हुदा अजमईन बारका सल्लमा अबदन अबदा। फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन दाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीयुल करीम। ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। معزز سامعین, ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل گفتگو سنی سے پیشتر عرض و معروض سے بہتر, آئیے سب سے پہلے وہ ساقہ انعام دار मदीने के ताजेदार हम गरीबों के गमगुसार नाइबे परवरदिगार शहनशाह ज़िवकार आमना के नूरे नज़र अब्दुल्ला के लख्ते जिगर गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला जनाबे अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा रूहे फिदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुहरबार में अकीदत व मोहब्बत के साथ कीजिए कलबो जिगर को साफ। नबी की मोहब्बत में जी लगा कर पढ़िए बाबा से बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह सलातुम व सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं किसी को कुछ दे रहा हूँ या मैं किसी से कुछ ले रहा हूँ, ये किस बुनियाद पे? रूह के बुनियाद। मैं कुछ किसी को कुछ दे रहा हूँ या किसी से कुछ ले रहा हूँ तो रूह के बुनियाद पे। तो रूह का घर कहाँ है, रूह की जगह कहाँ है? मेरे मिल्लत के नौजवानों, और आप ये भी समझें, जहाँ पे रूह का घर बनेगा वहाँ पे मुस्तफा की कदम की पहुँच नहीं होगी, और जहाँ पे मुस्तफा की कदम की पहुँच होगी वहाँ पे रूह का घर नहीं बनेगा। अगर कोई इंसान ये कह दे, कोई इंसान ये कह दे, हजरत पैर पर बांध करके अगर गर्दन में लटका दे, क्या पैर रह सकता है? नहीं रह सकता है। अगर कोई इंसान अगर जबान को खींच करके पेशानी में कांटी मार दे, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। जबान नहीं रह सकती है। पता चला रूह का एक अलग मकाम है, रूह का एक जगह है। हजरत हाथ का भी एक मखसूस जगह है, पैर का भी एक मखसूस जगह है, आंख की भी एक मखसूस जगह है, पेट का भी एक मखसूस जगह है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो रूह का घर कहाँ बनेगा? और जहाँ पे रूह का घर बनेगा वहाँ पे मुस्तफा की कदम की पहुँच नहीं होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मदीने की सरजमीन है, हुजराए आयशा है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मलकुल मौत मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं, दरवाजे पे दस्तक देते हैं। कहा कौन? कहा या रसूल अल्लाह, मैं मलकुल मौत हूं। कहा क्या बात है? कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी रूह को लेने के लिए आया हूँ। कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, रब की मर्जी इसी में है। या रसूल अल्लाह, मैं आपकी रूह को लेने के लिए आया हूँ। नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, नबी के कौनैन फरमाते हैं, ए मलकुल मौत, जब रब की मर्जी इसी में
है तो मुस्तफा की मर्जी भी इसी में है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नबी के कौनैन की रूह को मलकुल मौत अपने हाथ के कटोरे में लेते हैं, पहले आसमां पे जाते हैं, पहले आसमां पे पहुंचा, कहा ए पहले आसमां मैं मुस्तफा की रूह को लेके आया हूँ, मुझे रखने की जगह दे दिया जाए, मुझे रखने की जगह दिया जाए। मलकुल मौत फरमाते एक पहले आसमां जवाब देता है, ए मलकुल मौत अरे क्या बोल रहे हो, यहाँ पे मुस्तफा का कदम आ गया है और जहाँ पे मुस्तफा के कदम आ गया है वहाँ पे रूह का घर नहीं, वो वहाँ रूह का घर नहीं बनेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दूसरे आसमां पे गया तो वही जवाब, तीसरे आसमां पे गया तो वही जवाब, छठे चौथे आसमां पे गया तो वही जवाब। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिना तमहीद व ताखीर मलकुल मौत अर्श आजम पे पहुंचते हैं और अर्ज करते हैं, ए अर्श आजम मैं मुस्तफा की रूह को लेकर आया हूँ, मुझे रखने की जगह दे दिया जाए। हजरत अर्श आजम जवाब देता है, ए मलकुल मौत अरे मेराज की रात में, मेराज की शब में यहाँ पे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पसीने को 12 मर्तबा जमीन पे छिड़का है, जिससे 12 रंगों का गुलाब पैदा हुआ है, 12 रंगों का गुलाब पैदा हुआ है। लिहाजा यहाँ भी मुस्तफा का कदम आ गया है और जहाँ पे मुस्तफा का कदम आ गया है वहाँ रूह का घर नहीं बनेगा, वहाँ पे रूह का घर नहीं बनेगा। हजरत पहले आसमां पे गया तो वही जवाब, दूसरे आसमां पे गया तो वही जवाब, तीसरे आसमां पे गया तो वही जवाब, चौथे आसमां पे गया तो वही जवाब, पांचवें आसमां पे गया तो वही जवाब, छठे आसमां पे गया तो वही जवाब, सातवें आसमां पे गया तो वही जवाब। मेरे मिल्लत के नौजवानों, मलकुल मौत कहते हैं, ए परवरदिगार आलम मैं तो तेरे ही हुक्म से रूह को निकाला था, ए बारे एला अगर हुक्म हो जाए तो मैं तेरी बारगाह में लेकर के आ जाऊं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब्बे कायनात फरमाता है, ए मलकुल मौत अरे खबरदार अरे ठहर जाओ, जहां से तूने रूह को निकाला है वहीं पे जाकर के रख दो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बिना तमहीद व ताखीर पता चल गया रूह का मकाम कहां है, रूह का घर कहां है, रूह का मकाम दिल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रूह का घर दिल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, दुरूद शरीफ की डाली मोहब्बत की थाली में सजा करके पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लम सलातुन व सलामुन अलैक या रसूल अल्लाह सलातुन व सलामुन अलैक या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हजरते जिब्रील अमी सिदरा के मकी रूहुल अमी मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह अलैक सलाम आज मैं एक ऐसे जजीरे के पास से होकर के आया हूँ जहाँ पे रब का एक बंदा इस कदर इबादत और रियाजत की है, 400 साल तक इस कदर इबादत और रियाजत की है कि आंख पलक झपकने की बराबर भी खुदा की नफरमानी नहीं की है, खुदा की नफरमानी नहीं की है। लेकिन या रसूल अल्लाह अलैक सलाम उस बंदे की आखिरी ख्वाहिश यही है, उस बंदे की आखिरी तमन्ना यही है, जब भी मेरी मौत हो, जब भी मेरी रूह निकले तो सजदे की हालत में मैं रहूं, सजदे की हालत में मेरी रूह कब से उन सूरी से परवाज हो। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिर उस शख्स ने इस तरह की दुआ क्यों की है? हजरत नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अबदिन युबअसु अला मा मातिन अलैया, जो इंसान जिस हालत में फौत होगा उसे उसी हालत में उठाया जाएगा, जो इंसान कयाम के हालत में फौत होगा
होगा, उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई रुकू के हालत में फोट होगा, उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। अगर कोई सजदे की हालत में फोट होगा, उसे उसी हालत में उठाया जाएगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बुलंद करते हैं, आसमान की जानिब बुलंद करते हैं, दुआ फरमाते हैं, रब की बारगाह में दुआ कबूल हो जाती है। हजरत उस शख्स की रूह कब से उनसुरी से परवाज हो जाती है, रूह निकल जाती है। हजरत अब रहमत के फरिश्ते आ जाते हैं उसे ले जाने के लिए। रब का हुक्म होता है, ए फरिश्ते जा, इसे जन्नत में दाखिल कर दे, इसे जन्नत में दाखिल कर दे। वो इंसान कहता है, वो इंसान बोलता है, ए मौला। हजरत वो शख्स अपने अपने नमाज पे फख्र करता है, अपने तकवा और तहारत पे वो इंसान फख्र करता हुआ नजर आता है। रब तबारक व तआला का हुक्म होता है, ए फरिश्ते मेरे नेमत के सहारे में इसे जन्नत में ले जाओ। वो शख्स कहता है, मौला मैं तेरे नेमत के सहारे से जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं तो अपनी नमाज की बुनियाद पे जन्नत में जाऊंगा, मैं तो सदका और खैरात की बुनियाद पे जन्नत में जाऊंगा, मैं हज की बुनियाद पे जन्नत में जाऊंगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब का हुक्म होगा, ए फरिश्ते इसके नामाए आमाल को वजन किया जाए। हजरत फरिश्ते जवाब देंगे, मौला इनके तमाम आमाल को एक पटरे में रखे जाएंगे और तेरी नेमतों में से एक नेमत यानी आंख को एक पटरे में रखे जाएंगे। मौला नेमत वाले पटरे भारी हो जाएंगे। हजरत मोहतरम अब रब का हुक्म होगा, ए फरिश्ते अब इसे जहन्नम में ले जाओ। वो शख्स कहेगा, मौला मैं जन्नत में अपनी नमाज के बुनियाद पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सदका और खैरात के बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, रोजे के बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ, हज के बुनियाद पे जन्नत में नहीं जाना चाहता हूँ। मौला बल्कि मैं तेरे नेमत के सहारे से जन्नत में जाना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, रब का हुक्म होगा, फरिश्ते इसे जन्नत में ले जाओ। इसीलिए तो किसी शायर ने यूं नक्शा खींचा है, ना ताक पर ना तकवा पर ना जुहूद और इत्तका पर है, मेरा जो कुछ नाज है मोहम्मद मुस्तफा पर है। मोहतरम यहीं पे मैं अपनी तकरीर को इख्तिताम करता हूँ। अगर किसी तरह की सफर या कसदन बोलने में गलती हो गई तो रब तबारक व तआला की बारगाह में तौबा इस्तगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व तुब अलैह। अस्सलामु अलैकुम।